शाहजहांपुर में जैसे ही पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह की औपचारिक घोषणा हुई, वैसे ही सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुट गए। नगर के हर गली में चुनाव की सरगर्मियां दूर से ही दिखाई पड़ रही हैं। इसी क्रम में सपा के तनवीर खान ने भी नगर के कई इलाकों का तूफानी दौरा किया और अपनी माता जहां आरा के लिए वोट मांगा। तनवीर पिछले 15 साल से नगर के चेयरमैन हैं और इस बार महिला सीट होने पर तनवीर की माता चुनाव लड़ रही हैं। जहां आरा आज कलेक्ट्रेट अपने परिवार के साथ पहुंची और चुनाव चिन्ह प्राप्त किया। तनवीर ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं और अखिलेश यादव जी ने जो कहा था वही किया। जनता इस बार भी सपा का ही परचम लहराएगी। मुद्दा साफ है, एक तो भारतीय जनता पार्टी जिससे जब से प्रदेश में सरकार बनी है तब से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। व्यापारी समाज हो, चाहे किसान समाज हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर समाज हर वर्ग के लोग बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे योगी जी की प्रदेश में सरकार हो, इन सरकारों से जनता पूरी तरह से आजीज आ चुकी है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में जब शपथ ली थी 15 मार्च को, तो सबसे पहले जो चुनावी एजेंडा था, जो वादे किए थे जनता के बीच सरकार बनने से पहले, उन वादों को पूरा करने का काम किया। चाहे किसानों का कर्जा माफी वाली बात हो, चाहे किसान को गन्ने की फसल उत्तर वाजिब दाम देने की बात हो, चाहे छात्रों को लैपटॉप देने की बात हो, कन्या विद्याधन देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, 102 108 एम्बुलेंस देने की बात हो, समाजवादी पेंशन जो 55 लाख गरीब चाहे किसी समाज किसी वर्ग के लोगों सभी लोगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। तो इस तरह से आज जनता की निगाहें अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मुखिया हैं, उनकी तरफ निगाहें लगी हुई हैं। न्यूज आई के लिए शाहजहांपुर से मुअज्जम खान की रिपोर्ट।